हमारी ट्रेन का इंजन सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट है और ट्रेन हमारी आएगी 9:30-10 तक रोड़ी स्टेशन पे। तो ये 1.5 से 2 घंटे ऐसे ही स्टार्ट खड़ा रहेगा और रेलवे का तेल ज़्यादा होता रहेगा। शिशेव कैब वगैरह साफ हो गए? तकरीबन 3 घंटे से इंजन स्टार्ट खड़ा हुआ है। 3 घंटे में कितना तेल जल गया होगा? कम से कम 25-30 लीटर फ्यूल तो ज़्यादा हो गया होगा। अस्सलाम वालेकुम, सक्कर एक्सप्रेस है। हमारी जब ट्रेन एक लेट आती है तो वो और मजीद लेट होती जाती है आगे। हमने अपना इंजन सुबह 6:07 पे राइट टाइम हमने अपनी पावर 6 से निकाली रोड़ी के लिए। ट्रेन हमारी रोड़ी जब पहुंची है तो उस टाइम 9:45 का टाइम हो रहा था और अभी इस टाइम उसके बाद रोड़ी से चलने के बाद हम जब रोड़ी से चलें तो 10:20 पे हम यहाँ सक्कर हम पहुँच गए। सक्कर पहुँचने के बाद जब इसका शंट शुरू हुआ तो इसका एक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉल होता है, दो कोचों के दरमियान में लगा होता है, वो फंस गया, वो खुल ही नहीं रहा था। 25 मिनट उसमें लग गए, 25 फिर भी वो नहीं खुला तो फिर मजबूरन एक कोच एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं। अब हम जैकमाबाद, वैसे 12 कोचें जाती हैं तो आज 13 कोचें जा रही हैं। तो एक जब ट्रेन लेट होती है तो वो लेट ही होती जाती है मज़ीद। अभी तो इस टाइम गर्मी भी हो रही है आज और जुम्मे के दिन भी है और जुम्मा देखे हमें मिल जाए स्टेशन पे, जो मस्जिद है देखिए वहाँ मिलता नहीं मिलता। कोशिश तो यह है कि हमारी गाड़ी भी चले तो हमें आराम से वहाँ जुम्मे की नमाज़ मिल जाए। और बादल भी आना शुरू हो गए, ये बादल आना शुरू हो गए। ये हमारा स्टैंड लेने वाला भी बंदा आ रहा है तो 11:20 पे इंशाल्लाह हम यहाँ से चल पड़ेंगे। 1:30 बजे पहुँच रहे हैं और 1:30 बजे जुम्मे की नमाज शुरू हो गई और अभी पहुंचे हम जैकमाबाद। 1 रकात निकल गई है, उसी रकात में पहुंच जाएंगे हम। तो भाई आखिरी रकात में पहुंच गए थे हम मस्जिद के अंदर और नमाज जुम्मा पढ़ लिया और जुम्मा मुबारक। तो अभी रनिंग रूम से जा रहे हैं दोबारा स्टेशन के लिए, सक्कर एक्सप्रेस लेके अभी जानी है वापस। हमने आज ज़्यादा हमें टाइम नहीं मिला इतना रेस्ट करने का, खैर जुमा वगैरह हमने पढ़ा आराम से, एक डेढ़ घंटा हमने यहाँ रेस्ट किया। अभी बिल्कुल फ्रेश हैं हम और मेरे साथ हैं मिस्टर चाकर, ये यहाँ के लोगों मामिन का काम यहाँ ये करते हैं और उनसे कभी कभार बस पोटरी भी कराई जाती है। तो ये सीन है, ड्राइवर साहब मेरे पीछे आ रहे हैं। अभी ये है कि हम 13 जून को हम गए थे कोर्ट में हाजिरी के लिए, तो कोर्ट में तो फिर हमें दोबारा हमें 20 तारीख मिल गई है। तो जो मतलब जो लड़का मोटरसाइकिल लेके आ गया था ट्रैक पे हमारी ट्रेन के आगे, वो हमें क्या कह रहा आपने गाड़ी क्यों रोकी, गाड़ी अब सीधे ले जाते। अब गाड़ी रोकें जब भी मसला, ना रोकें जब भी मसला, किसी हाल में कोई पब्लिक खुश नहीं है। हमें तो ये था ना डाउट कि ये कहीं मोटरसाइकिल के चक्कर में ये ना वहाँ पे खड़ा रहे, इमरजेंसी ब्रेक लगाई। भागना नहीं चाहिए, अगर वो मोटरसाइकिल हिट हो गई तो वहीं खड़ा रहे। कोशिश तो यही होती है कि वो उसको भाई वहाँ से मोटरसाइकिल उसके हैंड ओवर करके चलते बने, गाड़ी छोड़ के बाहर निकल जाए, इंसान कोई बच जाए। हमारी तरफ से कोशिश होती है कि कोई भी अगर रेलवे ट्रैक पास करा तो उसको पहले विसल लगाए और ताकि वो होशियार हो जाए अगर। और मेरी तो खुद और आदत यह है कि एक दफ़ा विसल ज़रूर लगाता हूँ ताकि उसको एक मैसेज मिल जाए कि उसको एक विसल का विसल की उसको आवाज़ आ जाए ताकि उसको ध्यान ट्रैक पर आओ कि ट्रेन आ रही है। अब जो जानबूझ के ऐसे करते हैं फिर उसके लिए फिर हम विसल भी नहीं बजाते। सक्कर एक्सप्रेस के हवाले से बात करो आप, फिर सक्कर एक्सप्रेस के लिए जो सक्कर के मेयर हैं अरसलान शेख साहब, वो अभी दो
पहले हमारे डीएस साहब से मिले हैं, जिसका जो टाइम है वापस जो पहले टाइम था उसी टाइम को करवाने के लिए। तो देखते हैं अभी क्या होता है कि इसका टाइम अभी वापस चेंज होता है या अभी फिलहाल में ये ऐसी चलती है। जो भी इसकी टाइमिंग का कोई फैसला हुआ चेंज करने का तो फिर आपको ज़रूर बताऊँगा वीडियो में। अभी फ़िलहाल अभी तो उसी टाइम से चल रही है, शाम को 5 बजे ये चेक हुआ से। टाइम अगर टाइमिंग में कोई तब्दीली आई तो फिर आपको ज़रूर बताएंगे। ट्रेन हमारी सामने प्लेस हुई हुई है, बस अब जाके चार्ज लें इसका।